राहुल रॉय की सुपरहिट डेब्यू फिल्म आशिकी का रीमेक बनाया जा रहा है और राहुल खुश हैं कि उनकी इस फिल्म में ऐसे नए एक्टर्स को लिया गया है जिनकी पहले से फिल्म इंडस्ट्री में कोई इमेज नहीं है। राहुल का मानना है कि यही खासियत पहले वाली आशिकी की भी थी। देखिए फिट तो मैं यही कहूँगा कोई नया लड़का ही करे, क्योंकि आशिकी की खासियत मेरा ख्याल से वही था कि कोई नया लड़का जिसका कोई इमेज ना हो, वही खासियत थी। क्योंकि अगर आप उस इमेज पे जाएंगे तो वो कोर्ट के नीचे ही वाला था कि लोगों को कुछ पता नहीं था व्हाट टू एक्सपेक्ट। अभी किसी ने मेरे को करेक्ट किया था कि आदित्य कर रहा है एंड श्रद्धा जी तो मैं जानता हूँ कि कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल से दोनों की इतनी इमेज तो ऐसी है नहीं। आई थिंक बोथ शुड बी एब्सोल्युटली राइट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। मोहित अच्छा डायरेक्टर है, अब ये किस बुलंदी तक जाती है इसके बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये बात जाहिर है कि ये स्टोरी थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि आज की रोमांस और उन दिनों के रोमांस में काफ़ी फर्क है। जब राहुल से पूछा गया कि क्या वो इस रीमेक में एक स्पेशल अपीयरेंस करना चाहेंगे तो उन्होंने मना कर दिया। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जब मैंने एंट्री की थी फिल्म इंडस्ट्री में, वो राहुल रॉय और आज के राहुल रॉय में बहुत फासला आ चुका है। वो मासूमियत जो मेरे में थी 22 साल पहले, वो मासूमियत को मैं कितना भी चाहूँ वो ला नहीं पाऊंगा। 1990 में आई फिल्म आशिकी में अनु अग्रवाल और राहुल रॉय लीड रोल में थे। आशिकी 2 में श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर को साइन किया गया है। आदित्य रॉय कपूर गुजारिश और एक्शन रिप्ले जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, तो श्रद्धा कपूर ने फिल्म लव का दी एंड से डेब्यू किया था।